लगातार कई माह से वेतन नहीं मिलने पर एम्बुलेंस कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन के नेताओं ने बताया कि एम्बुलेंस संचालक कंपनी जीवी के इमरी द्वारा कई महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। यह एम्बुलेंस कर्मचारी दोबारा आंदोलन की राह पर है। कर्मियों ने कहा कि मरीजों को कोई परेशानी ना हो इसे लेकर सभी एम्बुलेंस कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने यह भी बताया कि जब तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है तब तक विरोध जारी रहेगा। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि 17 जनवरी तक अगर उनको वेतन नहीं मिला तो एम्बुलेंस का सेवा ठप करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 2 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, ऐसे में कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि दीपावली पर डीजल के पैसे उपलब्ध नहीं होने पर प्रदेश भर में करीब 1100 एम्बुलेंस के पहिए थम गए थे, जिसके बाद भुगतान किया गया था। ऐसे में एक कंपनी ने सरकार से पैसा तो ले लिया लेकिन कर्मचारियों को पिछले कई माह का बकाया वेतन नहीं दिया। ऐसे में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही कर्मचारियों को बकाया पैसा नहीं मिला तो एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। लखनऊ जिला अध्यक्ष हरदोई। समस्या आ रही, जो जीवी के कंपनी से मेरा समझौता हुआ था सैलरी के मुद्दे पे, बढ़ी हुई सैलरी, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी किसी प्रकार से कंपनी देने को तैयार नहीं हो रही है और 3 महीने से सैलरी पेंडिंग चल रही है। जीवी के MRI से जो समझौते कार्ड में लिखित हुआ था लेकिन वो उस बात पर मान रही है और किसी भी गाड़ी में फोग लाइट नहीं लगवा रहे हैं और ग्लोवर भी नहीं है। इस वजह से काफ़ी एम्बुलेंस एक्सीडेंटल हो रही हैं और जो सैलरी का मुद्दा था उस हिसाब से किसी प्रकार से सैलरी पे मानने के राजी नहीं हो रहे हैं। पेंडिंग सैलरी ना दे रहे हैं, पेंडिंग 3 महीने हो गए, अब बताइए पेंडिंग सैलरी नहीं आ रही है, किस हिसाब से लोगों का घर चलेगा, परिवार चलेगा, बहुत समस्या आ रही है जिले के। किससे शिकायत की है आपने? आज मैंने DM साहब को अवगत कराया, अभी CMO साहब से अवगत कराऊंगा जाके कि जिस हिसाब से समस्या आ रही और अगर सैलरी मुद्दा सॉल्व नहीं होता तो 15 तारीख के बाद हम लोग स्ट्राइक पर चले जाएंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।